आज कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने उनके गांव में बस न आने की समस्या को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय में एडीसी से मिलने पहुंचे। छात्रों ने बताया कि हमारे गांव के रूट कंवरपुरा, कसुम्बी, ताजिया, फुलका जाने वाली बसें इन गांवों में जाने के बजाय सिरसा से सीधा फतेहाबाद जा रही है। ना तो प्राइवेट बस चल रही है और ना ही सरकारी बस चल रही है। ऐसे में उनकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए इन छात्रों का क्या कहना है। नाम मुझे जी सर, सिरसा से सीधी फतेहाबाद चल रही है गांव के बीच में, ये काफ़ी सालों से चल रही है। हाँ जी, जीएम सर से मिल चुके हैं, क्या बोले आप? आरटीओ ऑफिस जाके उनको एक एप्लीकेशन दो और उनको बोलो। मैं प्रदीप पिरानिया, गांव शेरपुरा से हूँ। मेरे गांव में जो निजी बसें हैं वो निजी बसें नहीं चल रही है, वो सीधा बाई रोड चल रही है, जो फोर लाइन है। मेरे गांव के अंदर फतेहाबाद के लिए एक भी बस नहीं है। काफ़ी बच्चे फतेहाबाद भी पढ़ने जाते हैं और सिरसा के भी रुख करते हैं। जो बच्चे सिरसा का रुख करते हैं वो काफ़ी परेशानियों को साथ करते हैं छात्राओं के साथ। हर रोज़ बस में कोई ना कोई नई छेड़खानी की समस्या उभर रही है और हमने इसके बारे में जीएम महोदय को भी अवगत करवाया है। आरटीओ ऑफिस में भी हमने बात की और उपायुक्त महोदय से भी हम मिले, जिसका हमारे पास रिसीविंग भी है, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। आज फिर हम मिलने आए हैं, हमारे साथ हमारे छात्र साथी भी है। मेरा नाम मोनिका है सर, मैं कौरपुरा से हूँ और हमारे ना बस 10 साल ही हो गए, मतलब चलती नहीं है और इनको एप्लीकेशन दे दे के थक गए हैं और ये बस चलाना पता नहीं चला नहीं रहे हैं या चलाना नहीं चाहते हैं। पर हम चाहते हैं बस जल्द से जल्द बस चलाई जाए, इसलिए हमने बस इनको अपेस हुए डीसी के पास बस लगवानी चाहिए। इसलिए है ना एक बस आती है हमारे गांव में, उसमें है ना 3 बसों की सवारी आती है और बच्चे खिड़की में लटके होते हैं और कई बार है ना दुर्घटनाएं भी हो जाती है बच्चों के साथ, बच्चे लड़ पड़ते हैं, इतनी भीड़ होती है कि एक पैर पर खड़े होकर जाना पड़ता है। भी दी हुई है, 1 महीने पहले भी दी थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 4 बसों का रूट है लेकिन बस आती नहीं है, प्राइवेटों का रूट है और हम यहाँ बस लगवाने के लिए आए हैं, चाहे प्राइवेट लगे या सरकारी, हमें बस लगवानी है।